हमने आज जो टॉपिक्स फॉलो करने हैं वो हैं एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज एडहरेंस, उसके रीजंस, उसके बेनिफिट्स कि हमें किस चीज़ के हैं। इट्स अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, इवन दो यू नो कि हम एक्सरसाइज बड़ी उससे करते हैं, खुश होकर करते हैं। अब क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं, या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस? फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में कोई डिफरेंस है बेटा? कैन एनीवन टेल? यस, फिजिकल एक्टिविटीज मींस एनी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, और द वर्क बाय द जॉइंट्स, उसे हम कहते हैं एक्टिविटी। हाथ हिलाना, पैर हिला देना, यहाँ से वहां चीज लेके जाना, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर आती है। वेयर एज एक्सरसाइज जो है बेटा वो हमारी क्या है, जो एक्सरसाइजेज हैं दैट इज फॉर द पर्टिकुलर थिंग। अब जो एक्सरसाइजेज हैं नॉर्मली हम इसको कहते हैं कि ये तो हमारे लिए वो लिखा या वो पत्र है जिसके द्वारा हमारी ठीक होने की और बचाव करने की दोनों स्थितियां जो हैं उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इट इज बेनिफिशियल फॉर द फिजिकल अलाइनमेंट, डिजीजेस, एनी सोशल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, उसमें हम एक्सरसाइजेस के द्वारा बहुत ही ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हैं। नॉर्मली अगर हम इस पर बात करें, इस टॉपिक पर, तो हम कहते हैं एक्सरसाइज का क्या बताना है, एक्सरसाइज करेंगे हम ठीक रहेंगे, हमारी बॉडी, आमतौर पर हम इसके यही आंसर देते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं पर्पसफुली या फिर रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, उनमें क्या चेंजेस होती हैं? अब फिजिकल एक्टिविटीज तो मम्मा घर में भी करते हैं, पापा काम करते हैं, आप सारे करते हैं, ठीक है, क्या उसका हमारी बॉडी पर कितना असर होता है? और जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसका हमारी बॉडी पर क्या असर होता है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। जैसे जैसे उम्र निकलती जाती है, ओल्ड एज आती जाती है, देन वी रियलाइज, और आमतौर पर हमने लोगों को सुना है क्या करें, सारी उम्र काम करते ही निकल गई है, टाइम ही नहीं निकला कि हम अपने पर भी ध्यान देते या खुद एक्सरसाइज करते। बिकॉज दोज हु आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सिर्फ घर के काम करने से या थोड़ी सी एक्टिविटी मूवमेंट कर लेने से एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्क फिनिश होता है और हमारा उसमें स्ट्रेस लेवल भी बड़ा होता है कि हमने इस काम को इतनी जल्दी, या वर्किंग लेडीज हैं हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये मेंटल प्रेशर देता है, स्ट्रेस देता है और फटीग देता है। फटीग किसको किसको देता है? माइंड को देता है, बॉडी को देता है, और जिसका आउटपुट क्या होता है कि हम जल्दी जो है वो बीमार हो जाते हैं या कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिसके कारण हमारी जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। रेगुलर रिसर्च करने पर ये पता चला है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, आपने आम देखा होगा कई लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, सेल्फ एक्सरसाइज, सेल्फ रेगुलेट होते हैं, अपने आप अपनी एक्सरसाइजेस करनी, और उसके साथ उनका एडहेरेंस है। एडहेरेंस का मतलब होता है जब हम किसी चीज पर स्टिक हो जाते हैं या किसी चीज के नियमों की पूरी तरीके से पालना करते हैं। When we follow our rules to get the benefit of something, वो है एडहेरेंस, ठीक है। अब एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है? कोई बात नहीं, आज नहीं उठा गया, कल उठ के एक्सरसाइज के लिए चले जाएंगे। कल नहीं उठा गया, रात को लेट नाइट तक पढ़ते रहे, हमारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही मैंने रजाई में, आज ठंड बहुत है, आज गर्मी बहुत है, सो मैनी एक्सक्यूजेस आर देयर विद अस। उसका क्या नुकसान होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेगुलर नहीं हो पाती है, तो हमारी बॉडी की वर्किंग कंडीशन जो है वो भी
सही तरीके से नहीं देते, ठीक है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सरसाइज एडहेरेंस का लगाया गया है, किया गया है, ताकि हम हर काम को रेगुलर वे से अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू डू। हर एक जगह पर हर चीज का एक रूल होता है, क्योंकि जब हम कोई भी काम रूल के साथ करते हैं तो बेटे उसमें हमें बेनिफिट होता है, हमारी जो वर्किंग है वो स्मूथ होती है, प्रेशर लेवल कम हो जाता है, ये चीज़ें जो हैं आम होती हैं। इसलिए जो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज एडहेरेंस करते हैं, ठीक है ना। कि मैंने ये कई लोग सारी उम्र हमने देखा है कि वो कहते हैं हम तो जब छोटे से थे तब से ही हम ये एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक पे जाना या रनिंग करना या हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे सिखाया या हम ऐसे करते थे। आम आपने ये भी देखा होगा कि जो आर्मी में या रिलेटेड टू दीज थ्री थिंग्स है, ठीक है ना, वो लोगों में रेगुलरिटी कितनी ज्यादा होती है, ठीक है ना। वाई? बिकॉज दे आर गुड, उन्हें फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, ये हमारी लाइफ का लाइफस्टाइल का बेस्ट कंपोनेंट है, ठीक है बेटा। उसमें देखा होगा जो आपने फौजी देखे हैं या पुलिस मैन देखे हैं या कुछ है, देयर पर्सनालिटी, देयर गेट, देयर वे ऑफ एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है ना। उनकी चाल से ही पता चल जाता है कि हाउ फाइन दे आर, ठीक है। इसमें आर्मी के या हर एक में यही होता है कि इन्हें बारी बारी से रेगुलर एक्सरसाइजेस तो होती रहती है इनकी लॉन्ग टर्म, लेकिन उसके साथ साथ कुछ टाइम बाद कोई ना कोई ट्रेनिंग आ जाती है ताकि रिफ्रेशिंग भी हो जाए और साथ में ओवरऑलिंग दोबारा से इनकी हो जाए ताकि ये डिले ना हो किसी भी वर्क में। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज एडहेरेंस का, ठीक है ना। अब है रीजन कि हम एक्सरसाइज करते क्यों हैं। कई कहेंगे क्या जरूरी है, आराम से काम चल रहे हैं, हमारे तो नौकर हैं वो काम कर देते हैं, मुझे उठने की क्या जरूरत है, मेरा काम ये कर देता है इसलिए मुझे करने की जरूरत क्या है। देर आर मैनी रीजन रिगार्डिंग दिस। वी नेवर टेक अ थॉट रिगार्डिंग आवर बॉडी कि हमारी बॉडी की क्या जरूरत है, हमारी बॉडी की क्या डिमांड है, हमें एक्सरसाइज करनी है तो क्यों करनी है, क्या कारण है कि हमने अपनी एक्सरसाइज जो है वो जरूर करनी है। कई लोग करते हैं और हमने कई बार जब हम स्पोर्ट्स कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं ना कई अपने आप ही रेगुलरली कर रहे हैं, उनके साथ कोई गाइड नहीं होता या कोई कोच नहीं होता, या कई हैं जो काफ़ी टाइम के ओल्ड एज हैं के लोग हैं वो भी वहाँ पर आकर अपनी एक्सरसाइजेस रनिंग वगैरह करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। अब इसका सबसे पहला बेनिफिट कहाँ पर आता है, बेनिफिट फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है। जब हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी तो हमारा दिमाग भी चुस्त रहेगा, जब हमारा दिमाग चुस्त रहेगा तो हमारी बॉडी को ऑर्डर प्रॉपरली देगा और वो एक्सेप्ट करेगी तो वर्किंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में हो जाएगी। और जब प्रॉपर फॉर्म में वर्किंग होती है बेटे तो हमारा हर काम जो है बड़े सिस्टमेटिकली वे से होता है, जिससे हमें खुशी होती है कि हमने ये क्यों किया। आम आपने अगर कभी सुने हो थॉट्स या मोटिवेशनल ये, तो उनका सबसे पहला कहना होता है कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हाई सो? सुबह सुबह क्यों उठना जरूरी है, एक्सरसाइज करना या बाहर जाकर डीप ब्रीथ करना या मेडिटेशन करना या योगा करना या कोई भी एक्सरसाइज करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी फ्रेश एयर हमारे अंदर जाएगी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, हमारी बॉडी की हर वर्किंग जो स्मूथ होगी, थॉट प्रोसेस जो है वो हमारे डिफरेंट होंगे, हमारा मन जो है वो खिला रहेगा और हमारा काम करने को ज़्यादा मन करेगा एंड वी गिव आवर 100% इन दैट, ठीक है। हमारी फिजिकल अपेयरेंस बहुत खूबसूरत हो जाती है जो एक्सरसाइज करते हैं अपने आप बॉडी, नहीं तो आम लोग पे जो है वो कंप्लेंट्स करते हैं सुबह उठते साथ, मेरी यहाँ पे पेन हो रही है, मेरी यहाँ पर पेन है, मुझे यहाँ हो रहा है, आई वॉज इन अ हेडेक पोजिशन, ठीक है, सारी रात मुझे पोस्चर नहीं ठीक रहा, या मुझे सिर दर्द हो रहा है, या फ्रेशनेस नहीं है, आई वॉन्ट टू स्लीप, नींद नहीं आई, मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर। तो ये प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं,
और कैसे ठीक होती हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारी अपेरेंस जो है वो सबसे पहले जो है वो ही इम्प्रेशन देती है हर जगह का। कई बार हम देखते ही बोलते हैं ना, आज क्या ठीक नहीं हो। थ्रू द फेस, थ्रू द वे ही अपियर्स अ पर्सन एंड एन इंडिविजुअल अपेयर, ठीक है ना। एंटर करते ही सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है, क्या बात है, ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, इस तरीके से बोलते हैं। उसके बाद है हमारी, हम सोशल प्रॉब्लम्स या सोशल, उसमें सोशलाइज करने में बहुत ही बेटर हो जाते हैं जब हम एक्टिविटी करते हैं। और अगर हमें कोई हमारी सोशो फिजिकल, जैसे कल का देखा था ना हमने, कल अगर आपने वो देखा हो कि उसमें एक डाफ आया था डांस करने के लिए, एंड ही सेड दैट रेगुलर मैंने ये प्रैक्टिस की है और मैं आज इस जगह पर आया हूँ जस्ट टू गिव द आंसर टू द पीपल दोज हु वर मेकिंग लाफ एट, और दोज हु जनरली लाफ एट मी, ठीक है ना। ये चीजों को आंसर देने के लिए कई बार डिटर्मिनेशन करनी पड़ती है और अपने को फिजिकली स्ट्रांग करके हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ये रीजंस हैं कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। हमारा वेट कंट्रोल होता है, क्योंकि आपको पता है आजकल की सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है ओवरवेट की, ओबेसिटी वगैरह की चल रही है, ठीक है ना बेटा। और उसका रीजन क्या है, उसके काफी रीजंस हैं। मैनी फैक्टर्स आर देयर विच आर इफेक्टिंग टू और हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द वेट, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काउंट आते हैं, जैसे हमारी डाइट है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करना है, कीप्स ऑन सिटिंग, और उससे क्या होता है हमारी बॉडी जो है उसकी वर्किंग कंडीशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है बिल्कुल, और जिसके कारण कई प्रॉब्लम्स जो हैं या बीमारियों को हम वेलकम करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी का वेट कंट्रोल में आता है, विच सीम्स टू बी अ स्मार्ट वन। अपेरेंस जो अभी बताई है, जिस तरीके से अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है कि वो सारे दे आर गुड लुकिंग या मस्कुलिन बॉडी में है तो मैं क्यों ऐसा हैप्पी हूँ या मैं क्यों इस तरीके का हूँ, दैट आई शुड टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। और इसमें सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल जो है वो मैटर करता है, ठीक है ना बेटा। ये हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं, ये हमें सबको पता है, ठीक है। जब हमारी सर्कुलेशन अच्छी होगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हमारी वर्किंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, हम मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम आउटपुट देना शुरू कर देते हैं। हमारा आउटपुट जो है, व्हाई, बिकॉज व्हेन वी आर हैप्पी थ्रू आवर बॉडी एंड माइंड, ऑब्वियसली हमारी आउटपुट जो है हमेशा ज्यादा रहेगी, और जब आउटपुट ज्यादा रहेगी तो हमें क्या होगा, खुशी मिलती है कि मेरा आज का काम, मिनिमम स्पीड जो है, वर्किंग स्पीड बढ़ जाती है ना, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम कर लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी बैकलॉगिंग नहीं रहती है, कोई पेंडिंग वर्क नहीं रहता है जिसका स्ट्रेस हमें हो, ये सारी चीजें हमारे अंदर से खत्म हो जाती हैं। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, कोकुलर एक्टिविटीज या दूसरे टाइप की एक्टिविटीज करने के लिए हमारे पास सफिशेंट टाइम है, विच वी कैन डू अ गुड थिंग्स, सोसाइटी के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए हम कर सकते हैं, एंड इट गिव्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्पीनेस टू अस। ये हमें अलग प्रकार की एक खुशी देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम अपना काम ही नहीं कर पाते तो हम दूसरे की हेल्प क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा हमेशा साथ रहता है। हम ये एक्सरसाइज जो है ये हमें ओल्ड एज में भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ओल्ड एज में कैसे है, हमारी रेगुलरिटी जो है या हमारा वर्क जो है वो हमें बेनिफिट देता है। तभी कहते हैं ना, दिस इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कि हमने शुरू से जो काम शुरू किया है, और इसका एक रूल होता है बेटे, ये आम आदमियों के लिए या आम लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, रीजंस वगैरह एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन का भी बाद में टॉपिक इस पे आता है, सेम चीजों के लिए। हमारी मेमोरी शार्प होती है या
मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, क्योंकि सर्कुलेशन फास्ट हो गई है बॉडी की, हर जगह पर ब्लड ऑक्सीजन सब चीज़ें पहुंच रही हैं, तो इट हेल्प्स इन ना किसमें है, हमारी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होती है। और जब हमारी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होगी तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हमें एक ही बात को बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, हमें उसके लिए आसानी से हमें याद हो गया है और हम उसको अपना आउटपुट आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद हमारा पोस्चर जो है, जिसकी मैंने अभी बात की है, लुक अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द हमारी जो फिजिकल पोस्चर के ऊपर है। और इस पर हमेशा बात की जाती है कि पोस्चर जो है उसके कारण हम जो भी कपड़ा पहनते हैं, जो भी चीज़ें पहनते हैं, वो हमारे पर ज़्यादा जचती हैं और वी यूज टू बी, या हमारी पर्सनालिटी जो है उसमें एक डिफरेंट तरीके का डेवलपमेंट होती है। ये ऐड होती है, हर चीज़ को ऐड करने में हेल्पफुल होती है। हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, मैंने जैसे अभी बताया है, अगर हमने ढंग के कपड़े कैरी प्रॉपरली किए हों, कपड़े बॉडी स्ट्रक्चर हमारा ठीक हो, तो ऑब्वियसली हम कहीं पर भी खड़े होकर विद कॉन्फिडेंस बात करते हैं। अदरवाइज वी स्टार्ट गिविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ जेस्चर। आम लोग कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, कभी कुछ कर लिया, दीज थिंग्स स्टॉप, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर अपनी बात करने में कॉन्फिडेंस है। ये एक जनरल थिंग्स आती हैं हमारे अंदर। ये जनरल है, अगर आपने कल का देखा हो, शार्क टैंक आ रहा है आजकल, ठीक है, वाई दोज पीपल आर सो, उनका एटीट्यूड देखा है, उनका वे ऑफ ड्रेसअप देखा है, उनका कॉन्फिडेंस देखा है, दैट मीन्स दे आर समवेयर वेरी मच फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। और वो कहाँ पर होते हैं, जब वो वर्क करते हैं, और वर्क कब करते हैं, जब हम एक्सरसाइजेस वगैरह प्रॉपरली करते हैं या हम रेगुलरिटी में होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हमें, ये हमारे एनर्जी इंक्रीज इन एनर्जी कर देते हैं, हमारी एनर्जी को इंक्रीज करता है। फिजिकली जब हम स्ट्रांग होते हैं, इसका मतलब हमारी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई है, हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे थिंकिंग वे में देर इज अ लॉट ऑफ चेंज। रिक्रिएशन के लिए टाइम है, एंजॉय कर सकते हैं, विच इज गुड फॉर और अ गुड फूड फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर माइंड। उसके बाद है हमारी सोशल लाइफ भी, ऑब्वियसली सोशलाइज होना है या सोसाइटी में जाना है, तो हमारे लिए हमारी सोशल लाइफ जो है वो अच्छी हो जाती है, लाइफ की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, या लॉन्ग लाइफ की तरफ हम चलना शुरू हो जाते हैं। बीमारियां जब पीछे रह जाएंगे तो हम एक स्मूथ अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। ये चीज़ें हैं, ये कारण है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब आ जाते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या एथलीट होते हैं, उनके लिए जो है एक्सरसाइज एडहेरेंस बहुत ज़रूरी क्यों है, ठीक है। उसका कारण है बेटे रेगुलरिटी, स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है। ये ना सोचें आज करते हैं, कल एक्सरसाइज नहीं की, आज मुझे लगता है मेरे क्रैम्प पड़ गए हैं, मेरे ये हो गया, तो नहीं। इस तरीके के जो एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके रिजल्ट प्रॉपर नहीं आते। इसके लिए हमने कहा था ना कि अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग रखा था, दैट इज दिस, ठीक है, कि वी रेगुलरिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज के लोडिंग होनी चाहिए, और उससे ही जो है वो प्लानिंग जो है वो गुड रिजल्ट देने में हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं हमारी एक्सरसाइज एडहेरेंस के अंदर। अब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है रीजंस व्हाई वी हैव टू डू द एक्सरसाइजेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं एक्सरसाइज करने के, ठीक है ना। एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती है बेटा, ठीक है ना। हमारी मसल्स ग्रोथ जो है उन्हें स्ट्रेंथन कर देती है एक्सरसाइजेस।
हमारी बोन्स को हेल्दी कर देती हैं, स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। हाउ? व्हेन वी डू द एक्सरसाइजेस, हमारी इनटेक, बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट जब ली जाएगी तो वो हमारी बोन्स को हेल्दी करती हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और डूइंग अ रेगुलर एक्सरसाइजेस हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी या इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देती हैं, हमारे बॉडी के वेट को, जैसे अभी बोला था मैंने कि रिड्यूस करना, हेल्दी वेट जो है, बीएमआई जो है, उसे करेक्ट कर देती हैं। ठीक है, कार्डियक परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। हार्वर्ड एक्सरसाइज हमने पढ़ा है ना, जो हार्वर्ड एक्सरसाइज जिससे कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, इस तरीके की एक्सरसाइजेस करने से हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है काम करने का। ठीक है, प्रोलॉन्ग हो जाती है, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एंडोरेंस बढ़ जाती है, हमारी कंपोनेंट्स जो हैं, फाइव फिटनेस के कंपोनेंट्स, वो इम्प्रूव हो जाते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो इम्प्रूव होता है, हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। फाइट, बॉडी में ऐसे एंजाइम होते हैं जो बॉडी के फाइट करने के लिए, फॉरेन बॉडी से, जो बाहर से आने वाले कोई भी चीजें हैं, वायरस वगैरह या जो भी, उनसे फाइट करने के लिए दे आर रेडी। फंक्शंस जो हैं, ब्रेन का फंक्शन अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारी एंजाइटी जो है, एंजाइटी को लो कर देता है। ठीक है ना, इंप्रूव नहीं, इंप्रूव कर सकता है, इंक्रीज नहीं करता है, एंजाइटी को लो कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। एंग्जाइटी है, स्ट्रेस लेवल है, उसको लो कर देता है, ताकि वर्किंग, क्योंकि जब हम काम कर लेते हैं टाइम पर तो हमें स्ट्रेस लेवल नहीं होता, हमें एंग्जाइटी नहीं होती है, हमें रादर और ज़्यादा काम करने का एक मन में या एक उत्साह सा आ जाता है कि हमने और ज़्यादा काम किस तरीके से करने हैं। अलर्टनेस माइंड की हो जाती है, मेमोरी जो है वो तेज हो जाती है। ठीक है ना, ये चीजें कब आती हैं बेटे? ये चीजें हमें तब आती हैं जब हम एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं, और हम इसके साथ साथ जो है वो हम खुद की हेल्प तो करते हैं उसके साथ ही हम दूसरों की हेल्प करने के लिए भी रेडी रहते हैं। क्यों?